सहारन पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 2 लग्जरी कार और 30 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद की है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि ये लोग मसूरी उत्तराखंड राज्य से नशीला पदार्थ लेकर आते हैं और हरियाणा राज्य में सड़क के किनारे बने ढाबों पर सप्लाई करते हैं। दरअसल थाना मंडी क्षेत्र के धोबी घाट से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर उन्हें गिरफ्तार किया है। मैं लाना चाहूँगा, ये कल सायंकाल में 7:30 बजे मंडी SHO अनिल कपरवान और सर्विलेंस प्रभारी मुबारक हुसैन के नेतृत्व में 30 किलो डोडा तस्करी करके ले जाया जाता हुआ पकड़ा गया है। इसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं। बावर ये थाना तित्रो का रहने वाला, सहारनपुर का। हसीन जो है चखरेटी जनकपुरी का रहने वाला है। अब मोहसिन ये हरियाणा का रहने वाला है। इस प्रकार एक इंटर स्टेट गैंग है जिसको पकड़ा गया है। इसके कुछ साथी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी का लोग प्रयास कर रहे हैं। इनके कब्जे से, गाड़ियों के बूट से हमें लगभग 30 किलोग्राम अफीम डोडा मिला है, जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली और एक होंडा सिटी गाड़ी मिली है। 2 गाड़ियाँ स्मगलिंग के लिए ये लोग यूज़ कर रहे थे, ये गाड़ियाँ भी मिली हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि उत्तराखंड के साइड से ये अफीम डोडा लेकर के आते हैं, उसके बाद ये रोड साइड ढाबे जो हैं सरसावा में और उसके बाद हरियाणा वाले रास्ते पे जो ढाबा पड़ते हैं उन पे उनको बेचते हैं। और जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे खाना खाते हैं उनको वहाँ के ढाबा रेस्टोरेंट ओनर जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो अभी ये प्रथम हम लोग का वो है, अभी गिरफ्तारी की गई है पहली बार। अभी इस गिरफ्तारी के बाद में जो इनसे अभी हमें इनपुट मिलेगा, उसके बाद जिन ढाबों पर ये लोग बेचते रहे हैं वो ढाबा मालिकों को गिरफ्तारी की जाएगी, और जो 1 और 2 बदमाश जो बीच में रह गए हैं अभी उनको और गिरफ्तार किया जाएगा। लगभग इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5.5 लाख रुपये करीब है। देखिए अभी तो जो गाड़ी पर जो नंबर है वो HR नंबर पड़े हुए हैं। अब उनके चेसिस नंबर नंबर लेकर के उनको वेरीफाई करेंगे कि ये चोरी की गाड़ियाँ हैं या ये इनके नाम से गाड़ियाँ चल रही हैं। इससे पहले जो बाबर जो है वो और हसीन, बाबर मोहसिन, ये दोनों के दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं और ये लगातार ये काम कर रहा है।